आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल क्लास 10। पिछली क्लास में हमने लेसन 1 पद्यखंड का और अलंकार के 3 पार्ट्स करे थे, रिवीजन करे थे। ठीक है, आज हम अलंकार के आगे के वाले जो पार्ट्स हैं उनको रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो हमने करा था यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और श्रेष अलंकार। आज करेंगे कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। उपमा अलंकार की परिभाषा दीजिए और उसका उदाहरण। उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, गुण, रूप, दशा आदि का उत्कर्ष बताने के लिए लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की तुलना की जाती है। यानी कि जब उपमेय की उपमान से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। ठीक है, जब किसी वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति के गुण और रूप दशा की जो होती है उसमें क्या की जाती है, तुलना की जाती है। यानी कि उपमेय की उपमान से क्या की जाती है, तुलना की जाती है। तो वहां पर कौन सा अलंकार आता है, वहां पर आता है आपका उपमा अलंकार। ठीक है, क्या आता है, उपमा अलंकार। ठीक है, आप जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, ये लिख रहा है उसका हृदय नवनीत सा कोमल। ठीक है, अब उसका दे रखा है उसका हृदय, यानी कोई है उसका, तो यहाँ पर उसका क्या है, यहाँ पर तुलना की गई है, तो उसका जो हृदय है वो कैसा है, नवनीत सा कोमल। तो यहाँ पर जो हृदय है वो क्या है, उपमेय है। हृदय क्या है, उपमेय है, और नवनीत क्या है, उपमान है। तो उपमेय की उपमान से क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ आपका, उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार हुआ, उपमा के। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई कोमल एक कोमल सी एक बच्ची है और वो कैसी हो गई है, राख की ढेरी सी। तो यहाँ पर फूल क्या है, फूल है यहाँ पर उपमान। ठीक है, और बच्ची है उपमेय। ठीक है, अब कोमल क्या है, वो एक बर्ड लिया गया है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी उपमेय की उपमान से क्या हो रही है, तुलना हो रही। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, उपमा अलंकार हुआ। अब आते हैं रूपक अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ अत्यंत समानता दिखाने वाले उपमेय उपमान के समय अभेद बताया जाए, यानी कि भेद बताया जाए जहाँ पर उपमेय उपमान के साथ, तो वहां पर होता है आपका रूपक अलंकार। ठीक है, समानता, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, अब जो चरण है और कमल में उपभेद बताया गया कि भाई उनके जो चरण है वो कैसे है, कमल पर है। तो यहाँ उपमेय की वहां पर उपमान का भेद बताया गया है, तो यहाँ पर क्या है, रूपक अलंकार है। जैसे मैया में तो चंद खिलौना ले हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चंद और खिलौना में क्या की गई है, भेद की गई है, भेद बताया गया है। तो यहाँ पर एक समानता दिखाई गई कि भाई जो चंदा है वो खिलौना जो है एक समान के रूप में बताया गया। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। अब करेंगे उत्प्रेक्ष अलंकार किसे कहते हैं, जहां समानता के कारण उपमेय की उपसंभावना या कल्पना की जाती है। जहां समानता के कारण उपमेय में उपमान की क्या की जाए, संभावना या कल्पना की जाती है, उसे कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जैसे यहाँ पर उस काले मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। ठीक है, मानो हवा के झोर से सोता हुआ जा सागर जगा। अब यहाँ पर क्या है, जो क्रोध से कांपता हुआ है, ठीक है, तो अर्जुन का शरीर उपमेय में यहाँ पर सोए सागर की तुलना की गई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उसके बाद आते हैं मानवीकरण अलंकार, जहां पर भाई प्रकृति की जो चीजें होती हैं उनमें जो वो की जाती है, तुलना की जाती है। जैसे कि भाई यहाँ पर है, जहां जड़ प्रकृति मानवीय भावना तथा क्रिया का क्या, क्रियाओं का क्या होता है, आरोप होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है आपका, मानवीकरण। कौन सा अलंकार होता है वहां पर, जहां पर भाई जैसे जड़ प्रकृति या उनकी भावना को क्रिया का आरोप किया जाए, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे ये आए यहाँ पर है, मेघ आए बड़े बंठन संवर के। तो यानी कि जो बादल हैं वो क्या आए हैं, बंठन संवर के। तो यहाँ पर उनकी क्रियाओं का एक आरोप लग रहा है उन पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ, मानवीकरण अलंकार। अब पढ़ेंगे अतिशोक्ति अलंकार क्या है। अतिशोक्ति अलंकार में होता है कि भाई जहां पर किसी बात को कहने पर लोक सीमा यानी कि सारी मर्यादाओं को बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर किया कहा जाए, वहां पर तुम्हारा कौन सा अलंकार होता है, अतिशोक्ति अलंकार होता है। सारी मर्यादाओं का जहां उल्लंघन किया जाए और जहां पर किसी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो वहां पर होता है अतिशोक्ति अलंकार। जैसे कि उदाहरण देते कि हनुमान की पूंछ को लगन ने पाई आग, लंका सारी जल सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें क्या है, यहाँ पर यह बताया गया है कि भाई हनुमान की पूंछ में आग तो लगी,
और लंका भी सारी जल गई, परंतु हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, जबकि लंका उन्होंने पूंछ की उससे सारी लंका को जला डाले। तो यहाँ पर एक बात को बड़ा चढ़ाकर कहा गया, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो आपको मैंने एक बार सारे अलंकार रिवाइज करा दिए, आप भी अपने घर पर अच्छी तरह बैठकर इनको अलंकारों को लर्न करेंगे, क्योंकि आपके यूनिट टेस्ट में अलंकार दिए गए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम कृतिका का फर्स्ट लेसन और गद्य खंड का फर्स्ट लेसन का रिवीजन करेंगे। ठीक है।